In class 4, today we will understand computer chapter 4. Computer में हम secondary storage devices को पढ़ रहे थे, तो कुछ secondary storage devices आज हम understand करेंगे. तो इनमें से क्या है? Blu-ray disc, pen drive, multimedia card, जो secondary storage devices हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो Blu-ray disc है, क्या है देखते हैं. Blu-ray disc is a digital optical disc data storage format. It is similar to a DVD. बट हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ DVD. तो क्या है, ये डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो डाटा स्टोर करती है, और ये क्या है, सेप में DVD जैसी होती है, बट इसमें DVD से ज्यादा डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है. इट कैन स्टोर 25 GB डाटा ऑन इट्स सिंगल साइड एंड 50 GB ऑन इट्स डुअल साइड. मेनली हाई क्वालिटी वीडियो फाइल एंड वीडियो गेम्स आर स्टोर्ड इन द ब्लूरे डिस्क. तो क्या है, ये 25 GB डाटा एक सिंगल साइड में और 50 GB डाटा डुअल साइड से स्टोर कर सकती है, और मेनली हाई क्वालिटी जो वीडियो गेम्स होते हैं या वीडियो फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए ब्लूरे डिस्क का यूज किया जाता है. द नेम ब्लूरे डिस्क ऑब्टेंड फ्रॉम द ब्लू वॉयलेट लेजर. ठीक है, अब पेन ड्राइव के बारे में समझते हैं. पेन ड्राइव तो आपने सबने देखी है ना, इस साइड इस टाइप की होती है पेन ड्राइव. अब पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव इज ए डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस. तो क्या है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, इंक्लूड फ्लैश मेमोरी होती है इसमें, और विद एन इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस. इसमें USB इंटरफेस होता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर से. These are portable, removable and rewritable device. It is a plug and play device. It is used for copying and moving data from one computer to another. तो ये क्या है, ये portable होता है, removable होता है and rewritable होता है. ठीक है, यानी कि इसे बहुत आसानी से carry भी किया जा सकता है इसे. ठीक है, और इसमें से remove भी किया जा सकता है data को, दोबारा इसमें डाला जा सकता है. अगर एक बार data को डाल के फिर उसमें से delete करके फिर हम उसमें दोबारा data भी डाल सकते हैं. ठीक है, ये एक plug and play device है, और इससे क्या, इससे हम एक computer से data को copy करके दूसरे computer में भी भेज सकते हैं. Their storage capacity range from 1 GB to 1 TB. तो इसकी capacity कितनी होती है, storage capacity 1 GB से 1 TB तक. They have more compact shape, operate fast and hold a large amount of data. तो ये क्या है, compact shape होती है, यानी कि देखो इनकी shape कैसी है, एक compact shape है. ठीक है, strong shape है इसकी. Operate fast, जल्दी अच्छा fast operate करते हैं. Large amount of data इसमें हम store कर सकते हैं. अब हम देखते हैं multimedia card. Multimedia card क्या होता है, ये सबने देखा होगा. Multimedia card आपके phone वगैरह में लगाते हैं हम, जिसे हम memory card भी कहते हैं. It is a memory card standard used for solid state storage. It is developed by SanDisk and Siemens AG in 1997. ठीक है, तो ये क्या है, एक मेमोरी कार्ड है जो सोलिड स्टेट स्टोरेज रखता है, और ये डेवलप किसने किया था, SanDisk है, Siemens AG ने 1997 में. It is used as a storage media for portable devices like mobiles, digital cameras and music players in a form that can easily be removed for access by a computer. It is also used to transfer image, music files and video games into a computer through a USB cable connected to a computer. तो ये क्या है, ये क्या है, एक storage device है जो कि पोर्टेबल डिवाइसेस में हम यूज करते हैं. लाइक हम इसको क्या, मोबाइल में, डिजिटल कैमरास में एंड म्यूजिक प्लेयर्स में इसको हम यूज करते हैं. इसे इजीली रिमूव भी किया जा सकता है. ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसफर इमेज, म्यूजिक फाइल एंड वीडियो फाइल्स. तो इसका यूज किस लिए, म्यूजिक फाइल ट्रांसफर, इमेज को ट्रांसफर करने के लिए, वीडियो फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर में थ्रू अ यूएसबी केबल कनेक्टेड टू कंप्यूटर. यूएसबी केबल से हम कंप्यूटर से इसे कनेक्ट करके इससे डाटा को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं. तो ये क्या है, आपकी मल्टीमीडिया कार्ड, ये है आपका पेन ड्राइव, और ये है आपकी DVD. तो इस चैप्टर को आज हम यहीं फिनिश करते हैं, और आप इसे अच्छे से समझेंगे और पूरे चैप्टर को एक बार फिर से आप रीड करेंगे अच्छे से. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.